तो इस साल का जो मनी इन द बैंक का शो होगा वो विदाउट ऑडियंस होगा, लेकिन स्टिल मिस्टर मनी इन द बैंक एंड मिसेज मनी इन द बैंक के लैडर मैचेस हमें इस साल भी दिखाई देने वाले हैं। लेकिन आपको ये बात बता दूं कि ये हर साल की तरह सेम लैडर मैच नहीं होने वाला है, यानी कि एक वेन्यू के अंदर नहीं होने वाला है, परफॉर्मेंस सेंटर के रिंग के अंदर नहीं मैच होने वाला है, बल्कि ये मैच होने वाला है WWE हेडक्वार्टर्स के अंदर। ग्राउंड फ्लोर इसमें इन्वॉल्व है, इसमें एक टावर इन्वॉल्व है मनी इन द बैंक के शो में, तो काफ़ी कमाल का होने वाला है मनी इन द बैंक का लैडर मैच। तो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे हम WWE की यूनिकॉर्न कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि ये उनके इस साल के मनी इन द बैंक के शो को लेकर और ये बात WWE की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस भी हुई है। साथ ही साथ में हम बात करेंगे आज के स्मैकडाउन लाइक एपिसोड के बारे में, जिसके हाइलाइट्स आपको जानने के लिए मिलेंगी कुछ ही सेकंड्स के अंदर, जहां पर तो बहुत ही बड़े चैंपियनशिप मैचेस हो चुके हैं कन्फर्म मनी इन द बैंक के शो के लिए। एक काफी शॉकिंगली तरीके से न्यू चैंपियन भी हमें आज के स्मैकडाउन लाइक एपिसोड में क्राउन होता हुआ नजर आया। कौन हो चुका है क्वालिफाई मेंस एंड वुमेन्स के लैडर मैचेस के लिए जो कि होने वाले हैं मनी इन द बैंक के शो में, तो सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर करेंगे डिस्कस। और आपको बता दूं शो की शुरुआत कुछ जिस तरीके से होती है, जहां पर ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस ब्रे वायट का मैच कंफर्म हो जाता है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। एक्चुअली में यहां पर ब्रॉन स्ट्रोमन एलेक्सा ब्लिस एंड निकी क्रॉस के शो पर आते हैं और वहां पर क्या होता है उनको एक गिफ्ट भेजा जाता है और उस गिफ्ट के अंदर एक ब्लैक शीप मास्क निकलता है, सेम वही मास्क जो कि WWE के अंदर पहले ब्रॉन स्ट्रोमन यूज किया करते थे। और उसके बाद बता दूं आपको ये मैच हो चुका है कंफर्म। और यहां पर शॉकिंग बात यह है कि ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस फीड नहीं बल्कि ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस ब्रे वायट का मैच कंफर्म हुआ है, तो मैं कह सकता हूं WWE के पास कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग प्लान जरूर है इस फ्यूड के लिए। तो देखते हैं क्या कुछ होता है जब ब्रे वायट स्टेप अप करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन के खिलाफ WWE के मनी इन द बैंक के शो में। साथ ही साथ आपको ये बता दूं साशा बैंक्स हार चुके हैं और टमीना ने हरा दिया साशा बैंक्स को, जिसके बाद हमें बेली वर्सेस टमीना के बीच मैच दिखाई देने वाला मनी इन द बैंक के शो में। तो कहीं ना कहीं जो फ्यूड है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग जरूर बन रही है स्मैकडाउन लाइक एपिसोड में। इसके अलावा आपको ये बता दूं डैनियल ब्रायन ने हरा दिया सिजारो को, वो हो चुके हैं क्वालिफाई मेंस के लैडर मैच के लिए। आज एक बार फिर से हमें मिस्टीरियस हैकर भी आता हुआ नजर आया, जहां पर जो मिस्टीरियस हैकर है वो टैग टीम्स के बारे में बात करता है। उनका कहना ये होता है कि जो तुम्हारे पास में हो तुम्हारा दुश्मन भी हो सकते, तुम्हारा दोस्त भी हो सकते हैं। यहां पर वो सारी टैग टीम्स को दिखाता है, जैसे कि होगी अपनी इधर न्यू डे होगी, मिज एंड जॉन मॉरिसन हो गए, इसके अलावा एलेक्सा ब्लिस एंड निकी क्रॉस हो गए, और कुछ इस तरीके से यहां पर वो बात करता है किस तरीके से वो तुम्हारे दुश्मन भी हो सके तुम्हारे दोस्त भी हो सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे काफी ज्यादा कमाल का लगा। साथ ही साथ आपको ये बता दूं बिगी बन चुके हैं आप सभी के न्यू स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियन, और बिगी ने आज हरा दिया मिस को पिनफॉल विक्ट्री से एंड जे उसे को भी, और उसके बाद अब न्यू डे बन चुकी है आम सभी की 8-time टैग टीम चैंपियन, जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग जरूर था। डायना ब्रुक ने काफी शॉकिंगली तरीके से हरा दिया नयोमी को और वो हो चुकी है क्वालिफाई वुमेन्स के लैडर मैच के लिए जो कि होने वाला मनी इन द बैंक के शो में। तो ये तो कुछ कह सकते हो छोटी सी हाइलाइट्स आज की स्मैकडाउन लाइक के शो की। तो मेरे हिसाब से आपको पूरा आइडिया मिल गया होगा क्या कुछ हुआ आज के स्मैकडाउन लाइक एपिसोड में, क्योंकि हम वीडियो के अंदर करेंगे डिस्कस हमारी मेन अपडेट के बारे में अब, जो कि जुड़ी है मनी इन द बैंक के शो के बारे में, जहां पर लैडर मैचेस हर बार की तरह होने वाले हैं। लेकिन बात करेंगे हम क्या WWE की तरफ से यूनिक कॉन्सेप्ट आया है इन लैडर मैचेस को लेकर। तो देखो दो लैडर मैचेस होते हैं, एक होता है मेंस का दूसरा होता है वुमेन्स का। लेकिन आपको बता दूं आज की स्मैकडाउन लाइव में ये बात अनाउंस होती है कि वो वेन्यू के अंदर नहीं होने वाला है, यानी कि वो किसी एरिना के अंदर नहीं होने वाला है या फिर परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर भी नहीं होने वाला है, ये होने वाला है WWE के हेडक्वार्टर्स के अंदर। अब WWE हेडक्वार्टर में ऐसा क्या है आपको ये बात बता दूं, WWE हेडक्वार्टर का कुछ ऐसा WWE ने यूनिक कॉन्सेप्ट निकाला कि जो ग्राउंड फ्लोर होगा वहां पर लैडर्स पड़ी होंगी और जो मनी इन द बैंक ब्रीफकेस है वो एक टावर पर लटका होगा। और कॉन्सेप्ट मेरे अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से है, जो लैडर्स हैं पहले जो सुपरस्टार्स हैं वो उठाएंगे, वो एक टावर के ऊपर चढ़ेंगे और वहां से जो मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस है उसे उतारने जाएंगे। तो ऐसा कुछ हो सकता है स्मैकडाउन लाइक एपिसोड में, या फिर आपको बता दूं कुछ ऐसी भी अपडेट्स आ रही हैं कि WWE कुछ इस तरीके से प्री प्लान कर रही है ऑलरेडी चीजें कि जो मनी इन द बैंक का शो है वो विदाउट ऑडियंस भी काफी ज्यादा कमाल का लगे। तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस सेंटर के अलावा हेडक्वार्टर्स के अंदर करवाना WWE का काफ़ी बड़ा डिसीजन है। और अभी तक स्टिल जो WWE की तरफ से कॉन्सेप्ट अनाउंस हुआ ये बात किसी को भी क्लियर नहीं हुई किस तरीके से कॉन्सेप्ट होने वाला है। लेकिन मैंने आपको अपना आइडिया बता दिया कि कुछ इस तरीके से होगा, ग्राउंड फ्लोर पर लैडर्स पड़ी होंगी, वहां पर एक टावर होगा, टावर के ऊपर चढ़ना होगा और उस टावर के ऊपर चढ़ने के बाद मनी इन द बैंक ब्रीफकेस आपको वहां से खोलना पड़ सकता है, आई मीन सुपरस्टार्स को खोलना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से WWE चीज़ें कर रही है, काफ़ी कमाल की प्लान। बाकी जो आप चीज़ें या फिर आर्टिकल है डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा जो कि WWE की तरफ से पोस्ट हुए, या फिर आप वेबसाइट पर भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपका क्या सोचना है नीचे मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। लेकिन गाइस ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर आपको आई ये वाली वीडियो पसंद तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको करना है नीचे वीडियो को लाइक, और आपको पता है अगर आप चैनल पर नए हो तो आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग एंड फ्रेश अपडेट्स आगे भी जानने को मिलते रहे। एंड मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी जल्दी। टिल देन बाय बाय, take care.